हरड डाली को प्याज सागो बा प्याज संडारे आज आपन को सहित शेयर करूची गोटे नुआ रेसिपी। नमस्कार प्रिय किचन को स्वागत करूची। आज आपन को सहित शेयर करूची हरड डाली प्याज सागो बा प्याज संडारे आपन ने बनेई परिबे एई तरकारी रेसिपी बहुत बढ़िया लागिबो। वीडियो को पूरा देखंतु स्किप न करंतु आउ याकु आपणने रुटी परोटा सहित खाई परिबे भात सहित भी खाई परिबे बहुत बढ़िया लागिबो। आपणने एही रेसिपी को थरे ट्राई करंतु। हाथ चटी प्लेट चटी खाइबे गोटे थाली भात रे दी थाली भात खाइबे दीटा रोटी रे चारिटा रोटी खाइबे बहुत बढ़िया लागिबो। आउ छोटरु बड़ समस्तंकु बहुत पसंद आसीबो। तो आज मु आपणनको सहित एईटा शेयर करूची घरे आज तैयारी करी। तो यही रेसिपी रे आपने देखिबे प्याज साग को अधा काटी प्रथम मु रेसिपी को ट्राई कली तापर आपण सहित शेयर करूची बहुत भल लगला से मु आपण सहित शेयर करूची आपण को भी बहुत भल लग। तो ये देखूँ हरड डाली नहीं 200 ग्राम पखापाखि हे 150 रु 200 ग्राम आईटी देखूँ प्याज साग को भी अधा काटी आउ नेबा दीटा छोट छोट प्याज आउ रसुण 8-10 टा आउ गोटे इंच पखापाखि अदा नेबा कि हाफ इंच भी आपने नहीं पारे आउ सुखिला लंका दीटा आउ दीटा छोट साइज रो टमाटो नेबा एतिकिरे बनेबा। आमे आज पूरा टेस्टी टेस्टी हरड डाली तरकारी आपने तो हरड डाली एपरि बहुत खाई तो बोरिंग होती हरड डाली खाई ताले ए प्रोसेस रे आपने बनातु। तो ये प्याज को आम काटी दबा प्याजर जो आम छोट छोट हो प्याज को आम पूरा चुना चुना काटी दबा बड़ थिले भी किछ नै चुना चुना काटिबा पई चेष्टा करिवे आ साग को भी पूरा छोट छोट पीस करी काटी दबा। तो एही रेसिपीटे मो घरे तैयारी कर थारु भल लागी थारु आपणनको सहित शेयर करूची आपणनको भी बहुत भल लागिवो। आ जो पिला माने खाउ नथिबे एही प्याज साग तो से माने भी खाई परिबे। एबे तो श्रावण मास चली बहुत लोग प्याज रसुण खाऊ नथिबे तो सेमानको पई तो ए रेसिपीटा ठीक नुह तथापि तो शेयर कर श्रावण मास रे प्याज रसुण जो माने मानु छंती जाहले एई प्याज संडा बा प्याज साग दे हरड डाली को बनेबेनी। तो एबे देखंतु सब प्याज साग को काटी देची प्रथमे आपने प्याज साग को भलो भाबरे धोइबे तापर सफा करिबे धोइबे तापर साग काटिबे आ एठी टमाटो को भी पूरा छोटा छोटा पीस करी काटी देची आ अदा रसुण को पूरा छेची देची आपने एठी कंचा लंका भी नेबे मु नेइनी कंचा लंका देले आउट एट बढ़िया टेस्ट आसीबो। आ प्याज को भी एठी चुना चुना काटी देची आ दुईटा सुखिला लंका नेइची आ एठी डाली को टिके पानी रे भलो भाबरे धोई रखी देची डाली भी टे फुली जाइए देखु यही सामग्री रे बनवा आउ नेबा टे हलदी लुण। तो एबे गैस रे बसईवा आम प्रेशर कुकर तापर ये सोरस तेल देबा सोरस तेल ये देढ़ चमच देबा तेल गरम होगलापर देबा हाफ स्पून रु कम जीरा जीरा टे कम यूज करवा तापर एबे देबा टे फुटीगलापर तापर एबे देबा जो काटिकी रखी प्याज काटिकी रखी प्याज को देबा प्याज को ये लाइट गोल्डन कलर होगा पर्यंत ही फ्राए करवा अधिक समय आम फ्राए करवानि। तो जिते जीरा टे फुटी आसो फ्राई आसो से समय हिं देबा आउ प्याज को ये लाइट गोल्डन कलर होगा पर्यंत ही फ्राए करवा। तो ये प्याज को अधिक फ्राए करवानि जेहेतु प्याज साग भी ये एवं फ्राए करवा। तो जिते फ्राई आसो से समय एवं देवा प्याज साग को आउ प्याज साग को भी आम गोटे मिनिट रु 2 मिनिट पर्यंत भल भाव फ्राई करवा। तो साग को टे फ्राए करदे तार कंचापण चली आउ डाली तापरे मिक्स करवा। तो यह गोटे रु 2 मिनिट आदि आपण को ये रेसीपी भल लगी प्लीज सपोर्ट करूँ गोटे लाइक करूँ सब्सक्राइब कर दिंतु आउ आपण प्याज साग जिते फ्राई आसो से ही समय काटिकी रखी टमाटो को दबा आउ टमाटो को भी आम फ्राई हाँपाई छाड़ी दबा तापर टमाटो टिके फ्राई होगला ये भिजेक रखी
हरड़ डाली को दबा आउ हरड़ डाली को भी एठी गोटे मिनिट टू 2 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे मिक्स करिबा आउ फ्राई भी करि दबा तो हरड़ डाली पूरा गोटालिया रहिबो आउ टेस्ट भी बहुत बढ़िया लागिबो तो एठी देखंतु हरड़ डाली को टिके फ्राई कर सेला परे अदा रसुन छेचा दबा आउ एठी देखि कि हळदी दबा जेति कि आमे क्वांटिटी अनुसार हळदी तो हाफ स्पून रु कम हळदी आउ गोटे चामच एठी लुण दबा लुण दे सरलापर आउे भल भाव मिक्स करवा आठ गोटे मिनिट रू 2 मिनिट पर्यंत यह सब कुछ भल भाव मीडियम फ्लेम रे आमे भजा करवा भजा जदि डाली को टिके करिवे डाली सिजला परे गोटालिया रहिबो खाइबापाई भी बढ़िया लगे तो देखु ये 2 मिनिट पखापाखी टिके भजा हो जा डाली साग भी तो पूरा भजा हो गला तो ये पानी देबा ये पानी दे गोटे ग्लास ये देखु आउ टिके देबा अल्प हाफ ग्लास रु कम 1/4 पानी देबा और पानी दे सारा परे भल भाव मिक्स कर देबा मिक्स कर सारा परे कवर कर देबा आउ 3-4 सीटी देबा पर्यंत छाड़ी देबा 3-4 सीटी देला परे ठंडा पई छाड़ी देबा 3-4 सीटी देलापर तापर एवं थंडा छाड़ी आउ थंडा हो जा देखु ये डाली के बहिया रही बहिया रखा तो ये रख देखु डाली पूरा गोटालिया रही पूरा भल भाव सीझी जाने रुटी भात परटा सहित खाइबे बहुत बढ़िया लगे छोट रु बड़ समस्त बहुत पसंद आसने तड़का भी देपारे ना स्किप भी करें तो एबे गोटे बाउल रे ढाली दबा तापरे तड़का दबा तो देखि पारु थबे केते बढ़िया हेची आउ टेस्टी तो बहुत बढ़िया हेची आज मन को भाइला कौन करिवे गोटे नुआ रेसिपी तो एटा तैयारी करिची प्रथमे तैयारी करूची तापरे आपन को सहित शेयर करूची तो ए देखंतु ए एतिकी ग्रेवी रहइबो आपन ने ए रेसिपी को बनांतु खांतु आ केमी लगुच कमेंट करूँ तो आसतु ये तड़का देवा तड़का पे कौन कौन नेबा सब तो तड़का पैन गोटे नेबा आउ पैन रे एबे तेल देवा सरिष तेल गोटे चामच बड़ देवा सरिष तेल जत गरम होपर देवा पंचफुटन हाफ स्पून रु कम तापर देवा ये कंचा लंका ये दुटा कंचा लंका को मझे फाड़ कर देपर देवा ये देखो टिके भृसुंगा पत्र दे सारापर एवं काश्मीर लंका गुंड टे दे आउ गैस को बंद कर देबा काश्मीर लंका गुंड देले तरकारी देखा को भल आवाक बढ़िया लगे तो ये तड़का देद रेडी आमर हरड़ डाली प्याज साग तरकारी यहाँ आपने को नाम देवे कमेंट करेंगे तो मत रेसिपीटा घरे मु बनई भल लगी सहित सेयार करुच्ची आशा करल लगी जदि भल लगी प्लीज लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ जिते नुआ रेसीपी या तार नोटिफिकेसन सर्वप्रथमें आपण को जीव आपने रुटी भात परटा सहित खातु आउ कमेंट करूँ।